जी एंड वेलकम टू अनदर सेशन अच्छा काफी लोगों ने ट्रेनिंग से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन किए थे uh, दो के हम डायरेक्टली लोगों को रिस्पॉन्ड करे थे कि क्यों ना ये सारे जो FAQs हमारे पास इकट्ठे हो चुके हैं इसको एक ही जगह पर एड्रेस करें तो आई जस्ट मेड स्लाइड्स एंड लेट्स जो आप लोगों ने पूछे हुए बहुत ही सिंपल रखा हुआ है हमने सो देर आर ओनली टू ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म वन इज टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास आई थिंक जो हमें काफी अरसे कर रहे हैं अर्लियर इसका नाम जो था टेक्निकल एनालिसिस बूट कैंप था वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास क्योंकि अभी हम उसका दोबारा पूरा कॉन्टेंट रीशूट कर रहे हैं रीब्रांड कर रहे हैं एंड देर आर सो मैनी एक्साइटेड थिंग्स और वी आर जस्ट वेटिंग के जो एग्जिस्टिंग बेसिक्स है वो होपफुली जब ग्रेजुएट होगा तो वी विल स्टॉक्स हो गया हो हो गया, crypto हो गया और कमोडिटीज हो गया सो एनी ट्रेडेबल एसेट जिसका कोई ट्रेंड बन रहा है कुछ भी कोई भी आप वीट उठा लें कॉर्न उठा लें सोयाबीन उठा लें uh, कोई भी कमोडिटी उठा लें कोई भी एसेट लाइक एसे क्रिप्टो उठा लें और सारे ट्रेडेबल एसेट्स पे पूरी दुनिया के जितने भी है उस पे ये अप्लाई uh, होता है एंड द सेकंड वन व्हिच इज कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स अगेन आपके पास पैसे पड़े हैं एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू एंड यू ओनली नो रियल एस्टेट इज द ओनली ऑप्शन सो आपके लिए ट्रेनिंग डिजाइन की हुई है वेयर वी आइडेंटिफाई व्हाट आर द गुड म्यूचुअल फंड्स म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं द पीपल हु मैनेजेज यो फंड मैनेजर्स होते हैं वो क्वालिफाइड uh, लोग होते हैं इन सबका एनालिसिस हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम दैट वो कौन सी अच्छी कंपनीज हैं जो चलती फिरती कंपनीज हैं रादर देन स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस ये वो कंपनीज हैं जो कि बड़े अच्छे रेट्स पे आजकल अवेलेबल हैं वी बेसिकली गाइड यू अगर आपको बिल्कुल जीरो नॉलेज है फाइनेंस का पता ही नहीं है तो हमने बिल्कुल एक बच्चों की तरह का कोर्स डिजाइन किया है एंड बाय द टाइम वीक सिक्स सेवन तक आप पहुंचते हैं यू अंडरस्टैंड हैव द बेसिक फंडामेंटल नॉलेज जिसके बाद आप किसी भी कंपनी को जज करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड आल्सो कमोडिटीज एज़ वेल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गोल्ड सिर्फ शादी ब्याह के लिए यूज नहीं होता पीपल आल्सो हेज इट अगेंस्ट द इन्फ्लेशन अगेंस्ट इफ इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल सो वी डू हैव अ बड़ी फ्लेक्सिबल सॉर्ट ऑफ हमारी स्ट्रेटजीज हैं इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कंट्री वर्ड्स आउट ऑफ पोर्टफोलियो शुड भी इनवेस्टिंग आपके पास बहुत ज्यादा पैसे है और आपको नहीं समझ आ रही कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है बट यू नीड टू मेक है दूसरा क्वेश्चन जो ज्यादातर लोग कहते हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद सो इज दिस फिजिकल ट्रेनिंग Again, बहुत सिंपल है हमने ट्रेनिंग को डिजाइन ही ऐसे किया हुआ है कि वी इवन द पीपल फ्रॉम इस्लामाबाद माइट नॉट क्लासरूम बेस कर लें सो so हमने ट्रेनिंग को बहुत ही फ्लेक्सीबल और वर्चुअल तरीके से डिजाइन किया हुआ है इफ़ यू आर लिविंग इन एनीय इन दर्ल्ड यू कैन स्टिल बी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग वी डोट नॉट बेसिकली गेव एक्स्ट्रा क्लासेज और एक्स्ट्रा सर्विस टू दीपल इन द सेम सिटीट The people living in Islamabad and the person living in US or Canada or anywhere in the Middle East in the same way. तो उसका फायदा ये हो गया है कि ये बड़ी ही flexible sort of virtual training है and there is no sort of hard limit कि आपने इस particular time frame में ही करना है। तो वो क्या हो? उसके अलावा हमें आपकी availability कब चाहिए? वो मैं आगे बता देता हूँ। But to answer this question, we only offer online uh, classes. एक question जो लोग ज़्यादा पूछते हैं वो है कि how training is delivered? ठीक है? तो अगेन वे वी हैव डिजाइन दिस ट्रेनिंग अगेन ज्यादातर लोग हमारे पास प्रोफेशनल्स आते हैं फॉर्मेट ऑफ दी रिकॉर्डेड लेक्चर देते हैं फॉर बोथ दैपिटल सो वट वी एक्सपेक्ट कि आपके पास ना फॉर एग्जाम्पल अगर सैटरडे uh, को हमने आपको लेक्चर दिया है तो आपके पास सैटरडे से फ्राइडे तक का टाइम है टू बेसिकली अंडरस्टैंड द लेक्चर

सो so, uh, हमने डिजाइन ही ऐसे किया है कि आप किसी टाइम पे भी ट्रेनिंग ले लें अगर आपका क्वेश्चन आप पूछ लें अगर नहीं है तो आप अपनी असाइनमेंट दें एंड इट इज फॉलोड अप विद लाइव सेशन फॉर एग्जांपल सैटरडे को अगर आपने लाइव सेशन जो कि ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आप खुद बताते हैं कि लाइव सेशन कब आप अवेलेबल होंगे ठीक है बाई द वे पीपल थिंक के जो लाइव सेशन का टाइम स्लॉट आप ले रहे हैं उस वक्त हम पढ़ा रहे होते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है जो लाइव सेशन आप रजिस्ट्रेशन के वक्त बुक कर रहे होते हैं दैट पर्टिकुलर लाइव सेशन इज बेसिकली यूज टू सी द प्रोग्रेस ऑफ योर ट्रेनिंग ठीक है कि फॉर एग्जांपल लास्ट सैटरडे के जो ट्रेनिंग का लेक्चर आया था ड्यूरिंग द वीट आपने कोई क्वेश्चन किया नहीं किया आपने असाइनमेंट सबमिट की नहीं की अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन था विच कॉर्ड अन या आपको समझ नहीं आई है सो नेक्स्ट वीकेंड का जो लाइव सेशन होगा उसमें आप ट्रेनर से डायरेक्टली वो क्वेश्चन दोबारा पूछ के अपनी क्लेरिफिकेशन कर रहे होते हैं बट डोंट एक्सपेक्ट के उस नेक्स्ट सैटरडे को हम आपको दोबारा कुछ पढ़ा रहे होंगे दैट इज जस्ट ए सॉर्ट ऑफ टू कवर टू कवर द गैप कि आपने सारी चीज़ें सही समझी and is basically understanding गोग गोग है एंड ट्रेनर इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग योर प्रोग्रेस इज गोइंग गुड और बैड ठीक है आफ्टर द लाइव सेशन इज अवर देन इसी तरह ना सर्कल स्टार्ट होता है आपको लेक्चर नंबर टू मिल जाएगा और उसी तरह मंडे सैटरडे टू फ्राइडे का टाइम होगा और उसी तरह उसके अगले वीकेंड को ना ट्रेनर आके देखेगा कि आपकी प्रोग्रेस क्या है सो so, हमने बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर रखा हुआ है कोई इतनी हार्ड लिमिट नहीं है अगर फॉर एग्जाम्पल आप सैटरडे से वेनस्डे तक बिजी हैं और टाइम है, है वो लें सेशन well. so, की टाइम स्लॉट जो आप लेते हैं sure आपका एक डायरेक्ट इंटरेक्शन ट्रेनर भी हो रहा हो ठीक है इस ट्रेनिंग फोकस्ड ऑन पाकिस्तान अगेन जिस तरह मैंने के Uh, uh, में बात की थी कि टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है ना वो ना किसी स्पेसिफिक कंट्री ना किसी स्पेसिफिक एसेट के ऊपर फोकस्ड है वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है अगर आप यूएस में बैठ के एप्पल को ट्रेड कर रहे हैं तो यू कैन अप्लाई द लर्निंग ऑन एप्पल अगर आप पाकिस्तान में बैठ कर सिस्टम्स के ऊपर रहे हैं यू कैन डू द सेम यू कैन अप्लाई द सेम लर्निंग सिस्टम एज वेल अगर आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के फॉरक्स को ट्रेड कर रहे हैं या किसी कोने में बैठ के आप क्रिप्टो को ट्रेड कर रहे हैं आप ये आपकी अपनी चॉइस है हाँ हमने जो इन्वायरमेंट बनाया है हम जिस तरह लोगों को गाइड करते हैं सबसे मुश्किल मार्केट जिस पे लोग ज्यादातर फेल होते हैं वो फॉरेक्स की मार्केट है बहुत ज्यादा वॉलीटिलिटी है और बहुत ज़्यादा लोगों को मसले आते हैं अगर आप फॉरेक्स की मार्केट के ऊपर सही तरह रिस्क को मैनेज करके डिसिप्लिन रहकर पैसे बना सकते हैं तो बाकी सारी मार्केट आपके लिए हलवाए ठीक है इसीलिए हम फॉरेक्स के ऊपर ट्रेडिंग या उसके ऊपर हम आपको सॉर्ट ऑफ़ असाइनमेंट ज़्यादा देते हैं ताकि आप अपने आप को जज कर सके जो चीज़ें आप सीख रहे हैं वो मुश्किल मार्केट में बैठ कर आपको रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर रिटर्न दे रही हैं कि या नहीं दे रही हैं ठीक है सो डोंट टेक दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के हम फॉरेक्स सिखा रहे हैं फॉरेक्स नहीं सिखा रहे हम आपको टेक्निकल एनालिसिस का जो मेन जो मकसद है जिस तरीके से आपने उसको अप्लाई करना है वो तरीका समझा रहे हैं बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आपने किस एसेट के ऊपर जाकर वंस द ट्रेनिंग इज फिनिश यू नीड टू अप्लाई द सेम लर्निंग ठीक है सेकेंडली कैपिटल मार्केट फंडामेंटल दो ये वाला जो कोर्स है ना वी हैव डिजाइन ऑन पाकिस्तान फॉर एक्जाम्पल पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड किस तरह होते हैं फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान क्या है और फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर आते हैं लेकिन आप मगर मेरे से पूछे ना दी वे वी हैव डिजाइन दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग फॉर कैपिटल मार्केट यू कैन अप्लाई द सेम थिंग इन एनी वेयर इन है न, हर मुल्क में कोई ना कोई म्यूचुअल फंड होता है उसको देखने का वही तरीका होगा जिस तरह पाकिस्तान की किसी म्यूचुअल फंड को देख रहे हैं पाकिस्तान की प्रोफाइल को उसी तरह आप समझेंगे जिस तरह आप किसी और मुल्क की प्रोफाइल को समझेंगे हमारे लिए ऑयल का महंगा होना हमारे लिए इकॉनमी के लिए नेगेटिव है लेकिन कनाडा के लिए सऊदी अरब के लिए इट्स ए पॉजिटिव थिंग ठीक है सो so उनका इम्पैक्ट पॉजिटिव है इसी तरह जो लैंग्वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है फॉर स्टॉक्स फॉर एग्जांपल ठीक है वो सारी दुनिया में सेम ही है वही इनकम स्टेटमेंट है वही बैलेंस शीट है वही कैश फ्लोज है आपने ग्रोथ किसी भी कंपनी को जिस तरह आप सिस्टम की ग्रोथ को देख रहे हैं इसी तरह आप शायद एप्पल को भी इसी तरह समझ सकेंगे सो द आइडिया इज़ के फ्यू और क्योंकि ये सारी ट्रेनिंग्स उर्दू में डिलीवर होती हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं इवन हिंदी में भी जो इंडिया के हमारे कुछ लोग हमारी ट्रेनिंग ले रहे हैं

ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है आई थिंक पीपल कम एंड अटेंड अवर ट्रेनिंग बेस्ड ऑन के दे विल बी एबल टू मेक पैसे पैसे इनकम मेरे ख्याल में एज लॉन्ग एज आपकी प्राइमरी इनकम सिक्योर्ड है ना आपको ये टेंशन नहीं है कि आपके घर का चूल्हे जलने के पैसे कहाँ से मिलेंगे यू आर मेंटली थॉट ऑफ ऑलरेडी इन ए गुड कम्फर्ट जोन पैसे बनाना सबसे मुश्किल काम है और अगर आपकी डिपेंडेंसी पैसे बनाने के सोर्स पे सबसे ज़्यादा हो जाए रिकॉर्डलेस के प्राइमरी इनकम नहीं आ रही है तो फिर पैसे बनाना बहुत मुश्किल काम है ठीक है सो व्हाट वी बेसिकली हेल्प यू इज़ के हम आपको वो रिक्वायर्ड स्किल सेट दे रहे हैं वो टूल्स दे रहे हैं जिसके लिए आप ए में बैठ कर किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठ के स्किल्स को यूज़ करके या तो अपने रुपया जो आपके पास पड़ा हुआ था उसको अप्लाई करके पैसे बना सकते हैं या आपको जो स्किल सेट अवेलेबल था उस पर मिनिमल इन्वेस्टमेंट करके आप मैक्सिमम रिटर्न कर सकते हैं ठीक है आपको फुल टाइम डेडिकेटेडली इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम पे उस तरह ज़रूरत नहीं है जिस तरह अमेजोन के ऊपर पूरा का पूरा वी करने के लिए आपको एक मेजर इन्वेस्टमेंट चाहिए फिर आपको दो से तीन साल चाहिए फिर भी उसका सक्सेस रेट बीस से पच्चीस परसेंट है यहाँ पे आप क्विकली अपना अगर हज़ार डॉलर आपने लगाया हुआ है यू कैन मेक विद इन वीक्स एज वेल आपके पास अब दुनिया में ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी स्किल्स की बेस पर दो टेस्ट लेते हैं और टेस्ट के बाद आपको एक स्पेसिफिक फंड साइज ऑफर करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सौ डॉलर के ऊपर मेरे ख्याल में दस हज़ार डॉलर मिलता है इफ़ यू आर एबल टू मेक मनी बाई जस्ट लाइक हैविंग टेन तो आपको हज़ार डॉलर के ऊपर एटी परसेंट का प्रॉफिट शेयरिंग आपको मिलता है इसका मतलब है कि सौ डॉलर से आप आठ सौ डॉलर कमा सकते हैं लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आज ही ट्रेनिंग खत्म हुई और कल से मैं पैसे बनाने लग जाऊंगा मेरा नहीं ख्याल फ्रॉम दिस ट्रेनिंग हमने आपको टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सारा कुछ सिखाना है अब हम रिस्क रिवॉर्ड डिसिप्लिन उसके ऊपर बहुत फोकस्ड हैं एंड पीपल वंस अंडरस्टैंड एक दफा आपके दो तीन पे आउट्स आने स्टार्ट हो जाएं देन दैट मींस कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू बेसिकली गो विद इनफू बेसिकलीगर शॉट एज वेल बट द आइडिया इज के ये सारी चीज़ों के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है इट्स ओनली अबाउट द माइंड सेट एंड ओनली अबाउट दू लर्न दिंग्स एंड वी हैल इन्वेस्टमेंट पे भी जाएंगे तो ये सारी चीजें आप फेमिलियर है ठीक है तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए सो so मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि वो सारे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे दे आर ओनली लुकिंग यार सिर्फ मेरे ख्याल में रियल स्टेट ही है जहाँ से पैसे बन सकते हैं ट्राई दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग आउट यू यू विल विल लव द ट्रेनिंग अंडरस्टैंड हमारे पास एजुकेशन की ही कमी है कि हमें पता ही नहीं है कि रियल इस्टेट के अलावा इतने ज्यादा एवेन्यूज हैं जहाँ से पैसे बन सकते हैं इसके अलावा जो फ्री लांसर्स हैं जो के प्रोफेशनल्स हैं आजकल के जो हालात हो गए हैं यू कैन नॉट सोर् डिपेंड अपॉन योर सैलरी यू नीड टू हैव ए पैसे इन्वेस्टमेंट और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि देते हैं कि जब तक वो फिजिकल बिजनेस अपना स्टार्ट नहीं करेंगे दे विल नॉट बी एबल टू टू मेक मनी यू नीड अंडरस्टैंड कि फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए उसकी रिकवरी के लिए आपको बहुत दो से तीन साल तो वैसे ही रिकवरी में लग जाते हैं इन्हीं तीन साल में उन्हीं पैसों को आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं अगर आपके पास सिर्फ रिक्वायर्ड नॉलेज अवेलेबल हो तो आपको पैसे बनाने कैसे ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन ज्यादातर ये आता है हाउ कैन हाउ मच मनी कैन आई मे ठीक है अगेन अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है ना स्ट्रेटजीज़ विच वी आर टीचिंग इन कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स वो बहुत ही टेंशन फ्री सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजीज़ हैं वो इतनी सिंपल हैं कि यू विल नॉट बी बॉर्डर अबाउट द इन्वेस्टमेंट विच यू आर डूइंग बिकॉज एनी जितने भी स्टूडेंट्स को हमने पिछले बैच में जब से हमने रीडिजाइन किया था कोर्स एवरी इज़ प्रॉफिटेबल ठीक है इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट तो डाउन जा रही है लेकिन एवरी वन इज बेसिकली मेकिंग मनी बिकॉज ऑफ द द वी हैव बेसिकली प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स के जब इस तरह के हालात हो आपको क्या पोर्टफोलियो एलोकेशन होनी चाहिए फॉर क्लास देखें एक तो मैंने बता दिया कि ज्यादा पैसों से आप पैसे कैसे बना सकते हैं कैपिटल मार्केट में अगर आपके पास सॉर्ट sort ऑफ of, uh, uh, थोड़े से पैसे इफ यू वांट मेक लॉट ऑफ मनी एज वेल जस्ट लाइक ए फ्री लांसिंग जॉब जिसमें आप स्किल सेट फाइबर अपवर्क वगैरह पे दे रहे होते हैं बट वहाँ पे एक एफर्ट आप पुट होते हैं कि आपने वो वर्क या वो चीज डिलीवर करनी है यहाँ पे यू नीड टू बेसिकली गेट कंट्रोल ऑफ योर माइंड एंड यू नीड टू जस्ट मेक श्योर कि आप डिसिप्लिन है एंड यू आर नॉट बेसिकली ब्लोन अवे आपने अपने रिस्क रिवॉर्ड को सही तरह मैनेज किया हुआ है तो जिस तरह मैंने पहले कहा था सो डॉलर से तो आप विद इन टू थ्री मंथसो डॉलर तो वैसे ही कर सकते हैं दैट मीन्स कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी थी और आपको रिटर्न भी ज्यादा आ गया ठीक है लेकिन वंस यू गेट कॉन्फिडेंट देन स्काई इज द लिमिट आप यानी कि मैं अब मैं बता नहीं सकता लेकिन well month, का मैंने किया था, made, uh, 500, तो वैसे ही उनके मिनिमल इन्वेस्टमेंट के ऊपर थी एंड दैट इज विदिक्स मंथ पर ज्यादा टाइम नहीं लगा जो लोग स्टॉक मार्केट वगैरह पे फंसे हुए हैं दे कैन अंडरस्टैंड के इवन आपका हंड्रेड के रिटर्न के लिए भी स्टॉक पे ज्यादा टाइम चाहिए

बाई द वे आप जो टेक्निकल एनालिसिस बेसिक्स है वी एक्सपेक्ट के अब जो आ, जो सक्सेस रेट होगा इन बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वो चीज़ें जो हम शायद वीक टेन एलेवन में बताते थे वो हम वीक वन पे ले आए हैं क्योंकि वो हमने देखा था पिछले बैच पाँच बैचेस थे वहाँ पे लोग ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो बहुत, बहुत बेहतर हो जाएगा ठीक है आफ्टर दस ट्रेनिंग कैन वी स्टिल रीच आउट फॉर सपोर्ट इस ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वी आर स्टिल इन टच विद द पीपल हु बेसिकली आवर ट्रेनिंग इनिशियली भी हमने ना एक पूरा एलेमना का सेटअप बनाया था फेसबुक पे भी फाउंड के यार वो थोड़ा सा ना बहुत ही एक्टिव ही नहीं थे ज्यादातर लोग तो फिर हमने क्या किया एंड देन देवर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स वेयर फराज विल गो एंड हैव सेशन विद वन ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ वन बैच किसी और को कोई आफ्टर uh, ट्रेनिंग सब को कुछ दे रहा होता था

कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा है लेकिन उनके पास वो टाइम नहीं है टू बेसिकली एंड डू ट्रेड्स वेल सो हम इस प्लेटफॉर्म को ना एक ऑफ रिवॉर्ड बेस बनाना चाह रहे थे तो उसमें हमने बिल्कुल भी ये नहीं किया कि आप ये समझे कि आप आ गए और सारे बस वहाँ पे पॉलिटिक्स और इस तरह की चीज़ किए हुए डिस्कस एक अच्छी चीज है, है।, है तो फिर हमने क्या किया We, हमने भी थी, जिसको हम रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं और वो लोग अच्छी ट्रेड दे रहे हैं जिसको जिसका चेक एंड बैलेंस हमने प्लेटफॉर्म रखा हुआ है और हमने उनको रैंक किया हुआ है एक एज एड ट्रेडर्स ठीक है उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि जो अच्छा काम करे एज ए प्लेटफॉर्म उनको हाईलाइट कर देते हैं जो लोग बेसिकली जिनके पास चैलेंजेस है या जिनके पास पैसे हैं दे कैन फॉलो लीड ट्रेडर्स टू बेसिकली मेक मनी एज वेल तो जहां जिनके पास पैसे थे वो पैसे दे रहे हैं एंड जिनके पास वो स्किल अवेलेबल थी और अच्छा काम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म उनको पैसे दे रहे हैं ताकि वो उसको एज ए फ्री लांस अपॉर्चुनिटी ही समझे ठीक है और अभी तक ये ग्रुप हमने प्राइवेट सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही रखा हुआ है क्योंकि सारे सेम लेवल के ऊपर हैं अभी ना खासा किसी का स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कोई ये नहीं कहता यार स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ अच्छी चीज़ थी कि यार उसने रिस्क रिवार्ड ऐसा रखा हुआ था इफ ए ट्रेड फेल्स देन आपका ऑटोमेटिकली रिस्क मिनिमल है और ट्रेड अगर रिवर्सल पे जाता है तो आप ज्यादा लॉसेस से बच जाते हैं ठीक है सो so ये अभी शॉर्ट uh, ऑफ sort of तीन चार महीने हुए हैं मोस्ट मोस्टली आई डोंट नो कैन वी मेक इट पब्लिक इन फ्यूचर और नॉट वी विल सी बट दी होल आइडिया इज टू बेसिकली गिव मनी टू डोज गॉट द स्किल्स एंड टेक मनी एंड पीपल हु गॉट द मनी एंड नीड टू मेक मोर मनी आर एबल टू बेसिकली प्रोवाइड एज ए रिवार्ड टू दीपल हुलीगनल्स अच्छा हाउ केन बी रजिस्टर फॉर दिस ट्रेनिंग अगेन सिंगल सोर्स है एफ सीन काफ़ी स्कैम्स भी इसके ऊपर हो रहे हैं आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए सरमाए पी के डायरेक्टली से अपने गो टू ट्रेनिंग से अंदर जाएंगे और ट्रेनिंग पे ही रजिस्ट्रेशन का बटन है आपने उस पर क्लिक करके जो डिटेल्स वहाँ पर दी भी है आपने उसको फॉलो करना है

uh, even a, a, a within pakistan if you want to pay through credit card or debit card then you can use PayFast, fast option aapke paas available hai youtube ke upar already ek aur video available hai main iske sath attach kar dunga taki you can see ke if you want to register for this training how can you register as well if you are from abroad तो आप PayFast पास की फैसिलिटी यूज करके अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू हमारी ट्रेनिंग को रजिस्टर कर सकते हैं uh, ये कुछ questions थे जो I hope मैंने uh, respond कर दिए हैं अगर आपका